या टू इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा या थ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा। इसी प्रकार से या वन प्रोटॉन इक्वल होगा या टू प्रोटॉन इक्वल होगा या थ्री प्रोटॉन इक्वल होगा। इस तरह से कुछ हमने इसका स्टेटमेंट पढ़ा था। स्टेटमेंट इसका ये था कि द अमाउंट ऑफ चार्ज एट एनोडिंग इज ऑलवेज मल्टीपल इंटीजर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा था, कुछ इस तरह से लिखा था क्या हो इक्वल टू एन ई। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी पर डेवलप होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज एन है, इंटीजर एन इंटीजर है, एन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इसी तरह से जो ई है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो जाए। Required
टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कूलम चार्ज फ्रॉम बी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग यदि अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक अपने पास बॉडी है, वो बॉडी क्या करती है 10^9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इमिट करती है, तो उसको कितना टाइम लगेगा वन कूलम चार्ज क्या करने के लिए गेन करने के लिए, तो टाइम बता दो। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इमिटेड पर सेकेंड इन वन सेकेंड, तो ये कितना आएगा, एक सेकेंड में हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को इमिट किया तो निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ई से क्या करोगे, मल्टीप्लाई 1.6 × 10^-19। सॉल्व किया स्टेशनरी
स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सपोज दैट एक पॉइंट चार्ज यहां पड़ा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड का दूसरा पॉइंट चार्ज स्पेस में यहां पड़ा हुआ है, तो दूसरा मैग्नीट्यूड का दोनों स्पेस में, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अपना कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है. ये बात डिपेंड करती है कि चार्जेस की नेचर कैसी है. यदि एक चार्ज पॉजिटिव का है, दूसरा चार्ज नेगेटिव का है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा. और यदि दोनों चार्जेस लाइक टाइप के, इट मींस ये भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, या ये नेगेटिव का, तो ये भी नेगेटिव का, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो रिपल्सिव नेचर का होना चाहिए. ओके, तो ये हमारा टर्म है. यदि दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं चार्ज पर बैठे, उनके
अब देखिए आप ये मान लें कि कंपन के पास 4000 रुपये उठ के आई और चार थे, कितने डिस्टेंस पे पड़े, हार्ड डिस्टेंस पे पड़े। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ। क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है, क्वेश्चन ये है